ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि इस देश के आज की तिथि में सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं। संन्यास की दृष्टि से भी वो सबसे वरिष्ठ हैं, पीठ पर विराजमान होने की दृष्टि से भी वो सबसे वरिष्ठ हैं, ज्ञान ध्यान में भी उनकी अपनी वरिष्ठता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वो स्वातंत्र वीरोत्तम हैं। उन्होंने भारतीय स्वातंत्र संग्राम में सन्यासी होकर के भी भाग लिया था। उनकी भावना ये थी कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ पर हम अपने धर्म का पालन बड़ी स्वतंत्रता से कर सकेंगे। अंग्रेज हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, भारतीय शासक जब आ जाएंगे तो वो हमारी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, उनको भी इस बात का क्षोभ है, बीच बीच में कभी कभी कहते भी हैं कि अगर हम ऐसा जानते कि हमारे स्वातंत्र संग्राम लड़ने से ऐसा भारत बनेगा जैसा कि आज वाला है तो हम स्वतंत्र संग्राम न लड़ते। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पछतावा हो रहा है कि हम कैसा भारत बना के ले आए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेजों का शासन आज तक विद्यमान है, भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं। अभी जो ताज़ी घटना घटी वो ये है कि काशी में जो भगवान श्री विश्वेश्वर का मूल स्थान है उस पर कई सौ वर्षों से मुसलमानों का कब्जा है। अपनी नियति मान करके लोगों ने संतोष कर रखा है, सामान्य सी लड़ाई लड़ते रहते हैं प्रतीक रूप में। लेकिन इसी बीच में न्यायालय के आदेश पर एक सर्वे करने का आदेश हुआ। न्यायालय ने एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया कि तुम जाओ वहाँ सर्वे करके दिखाओ कि क्या है वहाँ पर। और जब वो सर्वे करने गया तो उसको उस जिसमें मुसलमानों का कब्जा है, जिसको मस्जिद नाम से कहा जाता है, जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, उस भवन में कई तो मूर्तियाँ दिखाई दी, कई तो हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए और आदि विश्वेश्वर स्वयं दर्शन देने लग गए। एक वजू का कुआं जहाँ पर शुद्धि करते हैं, जहाँ पे हाथ धोते हैं, जहाँ पे पैर धोते हैं नमाज पढ़ने के पहले, जहाँ पे कुल्ला करते हैं, उस कुंड में भगवान आदि विश्वेश्वर के साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए। जो वकील सम्मिलित थे उन लोगों ने जाकर के न्यायालय में गुहार लगाई कि वहाँ पर आदि विश्वेश्वर की मूर्ति वजू के कुंड में दिखाई दे रही है, उसका संरक्षण तत्काल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश कर दिया कि उस स्थान को सील कर दिया जाए ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। मुसलमानों से पूछा गया कि यहाँ पर शिवलिंग है, आप उसमें कैसे कुल्ला करते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। आप बताइए कि शिवलिंग के आकार का फव्वारा बना करके, अगर वो फव्वारा भी है तो शिवलिंग के आकार का उसको बना करके क्यों कुंड में रखा गया है? क्या हिंदुओं के आस्था को चोट पहुंचाने का हमारे उस मुसलमानों का उद्देश्य है? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि ले तेरे शिवलिंग पर हम थूकते हैं? बनावटी भी है तो भी बहुत अधिक आपत्तिजनक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो बनावटी नहीं है, क्योंकि वो भगवान आदि विश्वेश्वर वहाँ पहले से विराजमान रहे हैं, पुराने लोगों ने भी बताया। और जो दीन मोहम्मद का केस 1932 में चला था, जिसमें फैसला आ गया था, उसमें उस स्थान को हिंदुओं का निर्धारित किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने बहुत प्रसन्नता मनाई। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन हो गया, हमारा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, नहीं तो हम स्वयं चलते दर्शन करते पूजन करते। अभी हम काशी जाने लायक नहीं हैं, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारी तरफ से जा करके और कोटि कोटि जो सनातनी हैं उनकी ओर से जा करके पूजा करो।
हम काशी आए, आकर के हमने सामग्री इकट्ठा की। इतने दिनों बाद पूजा हो रही है तो अच्छे से हो। शुद्धिकरण के लिए भी जो शास्त्रीय विधान है उसका भी सामान इकट्ठा किया। और शनिवार को जब पुष्य नक्षत्र आया तो हमने सोचा कि इसी में जा कर के भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जिस शनिवार को हम जाने वाले थे उसके पूर्व के दिन से ही हमारे मठ के आसपास पुलिस दिखाई देने लगी, और इतनी अधिक पुलिस कि जैसे कोई आतंकवादी मठ में हो, सैकड़ों की संख्या। लोगों का मठ से निकलना बंद कर दिया गया, लोगों को मठ में आने से रोका जाने लगा। और जब हम 8:30 बजे शनिवार को पूजा की थाली अपने सहयोगियों के साथ लेकर के निकले तो कहा गया कि बहुत से लोग हैं, आगे जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। तो हमने सबको अपने मठ में बंद कर दिया दरवाजे में, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। एक हाथ में पूजा की थाली में थोड़ी सी वस्तुएं संग्रहित की और एक हाथ में दंड पकड़ा। पुलिस वालों से कहा कि भैया अब हम अकेले हैं, कोई भीड़ नहीं जाएगी, हम दो लोग भी नहीं जा रहे हैं, हम केवल अकेले चलते हैं, आप हमको ले चलो सुरक्षित स्थान बनाते हुए, हम पूजा करके सनातनियों की ओर से आ जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए दीवाल बन करके हमारे मठ के 10 फुट अंदर तक आ करके, जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से 10 फुट तक अंदर आ करके उन्होंने हमको रोक दिया। हमने कहा आप क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। हमने कहा कि क्यों नहीं जा सकते? बोले न्यायालय का आदेश है। हमने कहा दिखाइए कहाँ आदेश है कि हमको रोक दिया जाए। बोले आपको रोकने का सीधा आदेश नहीं है, लेकिन चूँकि मामला आदि विश्वेश्वर का न्यायालय में लंबित है इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। हमने कहा हजारों लोग उसके अगल बगल जो मंदिर हैं उनमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो उस जगह के बाहर सड़क है उसमें सब लोग घूम रहे हैं। बोले नहीं, वो उनकी बात अलग है, आपकी बात अलग है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमने कहा इसीलिए नहीं जाने दिया जाएगा ना, क्योंकि हम पूजन के लिए जा रहे हैं। बोले हाँ, हमारी मजबूरी समझिए, न्यायालय के आदेश के कारण हम ये कर रहे हैं। हम क्या करते, हम घर से निकल चुके, माने मठ से निकल रहे थे ये सोच करके कि पूजा करके 1 घंटे में आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो दैनिक दिनचर्या है शुरू होगी, उसमें भोजन पानी भी शामिल है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है वरम प्राण परित्यागः शिरसो वापि कर्तनम नत्व संपूज्य वुंजीत भगवंत्रम त्रिलोचनम। भगवान त्रिलोचन शिव की पूजा किए बिना भोजन करने से अच्छा है प्राण का परित्याग कर दे, अथवा सिर कटाने का अवसर आए तो सिर कटा ले। इसका मतलब कि हमारे शास्त्रकार किसी भी दशा में पूजा के पहले भोजन नहीं चाहते। ये तो हमने आपको एक श्लोक सुनाया, जाने कितने ऐसे श्लोक अलग अलग हमारी स्मृतियों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। इसीलिए उन्हीं के आलोक में हमारे हिंदुओं की ये सामान्य प्रैक्टिस है। एक सामान्य सा शास्त्र को न जानने वाला हिंदू भी भोजन पूजन करके ही भोजन करता है, पूजा के पहले भोजन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में पूजा के लिए निकल चुके थे हम, पूजा किए बिना भोजन कर नहीं सकते थे, तो हमको यहाँ पर बैठ जाना पड़ा और हम बैठे हैं। आप समझिए कि शनिवार को सवेरे हमको रोका गया, लेकिन हम तो उसके पहले वाले दिन की रात्रि में 7 बजे ही फलाहार किए हुए थे। उसके बाद से हमने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। पूजा के बाद ही हमारा विचार था कि हम भोजन करेंगे। तो तब से अगर गिना जाए तो अब ये जो 7 बजा है, अभी 108 घंटे पूरे हो जाते हैं। 108 घंटे से हम बिना पानी, बिना फल, बिना जल, बिना भोजन, एक अन्न का दाना बैठे हुए हैं और किसी को फिक्र नहीं हो रही, कोई फिक्र नहीं। हम तो भगवान के सामने अपनी तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब हमको बार बार ये कहा गया कि न्यायालय का आदेश, न्यायालय का आदेश, न्यायालय का आदेश, हमको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन हमने पहले नहीं पढ़ा था। हम सोच रहे थे इतने जिम्मेदार अधिकारी अगर कह रहे हैं तो कोई बात होगी। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गया तो कल सवेरे हमने अपने अधिवक्ताओं को कहा, जो हमारी तरफ से जिला जज के यहाँ
एक याचिका डाले हुए थे, उसकी बहस की तैयारी के लिए वो हमारे पास आए थे कि जो मुद्दा हुआ आप बता दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि हमको आदेश दिखाइए जो लोअर कोर्ट का हुआ था और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ। तो उन्होंने हमको तीन आदेश दिए। वो तीन आदेश क्या थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। वो तीन आदेश ये थे कि सबसे पहले जब सर्वे की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग मिला तो अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने न्यायालय में जाकर के कहा कि वहाँ शिवलिंग मिला है, तत्काल उसको संरक्षित करने का आदेश पारित करिए, कोई छेड़छाड़ उसके साथ ना हो जाए उस, क्योंकि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य बनेगा हमारे मुकदमे में। तो न्यायालय ने इसको बड़ी गंभीरता से ध्यान दिया और ध्यान दे करके उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि तत्काल उस स्थान को सुरक्षित कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ और जिला मजिस्ट्रेट को दी, और निगरानी के लिए जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन है उनको कहा कि आपकी निगरानी में ये कार्य होगा। दूसरे दिन 16 तारीख को ये घटना हुई थी, आदेश पारित हुआ था। 17 तारीख को अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो तथाकथित मस्जिद की व्यवस्था की समिति है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने सुप्रीम कोर्ट जा करके गुहार लगाई कि हमको वहाँ पर ये सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुन करके कहा कि हम जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दे रहे हैं, जो आदेश यहाँ की लोअर कोर्ट ने किया था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, ये जो प्रमुख सचिव आदि को जिम्मेदारी सौंपी थी उसको हटा दिया और कहा कि जिलाधिकारी वाराणसी स्वयं में सक्षम है, हम उसको आदेश दे रहे हैं कि वो जो शिवलिंग मिला हुआ बताया गया उसकी ड्यूली प्रोटेक्शन करें। ड्यूली प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। ड्यूली के प्रोटेक्शन का मतलब क्या था, प्रोटेक्शन ही कह देता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसने ड्यूली शब्द का प्रयोग किया। जो लॉ डिक्शनरी है उसको मंगा करके हम लोगों ने देखा, कैम्ब्रिज की लॉ डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की लॉ डिक्शनरी है, हमारे भारत में भी अनेक विद्वानों ने अलग अलग लॉ डिक्शनरी बनाई है, वो सब लॉ डिक्शनरी हम लोगों ने कंसिडर किया। उसमें पाया गया कि ड्यू का मतलब होता है यथोचित, विधि सम्मत, और ड्यूली का मतलब भी वही है कि विधि विधान से। तो इनको विधि विधान से संरक्षण को कहा गया था, केवल संरक्षण नहीं कहा गया, विधि विधान के साथ संरक्षण कहा गया। तो विधि क्या है, विधि है शिवलिंग के संरक्षण की कि उसकी रोज पूजा की जाए, जब उसमें रोज जल डाला जाता है, जब उसमें सब फूल दूध दही घृ पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है तो जो पत्थर है उसकी सघनता बढ़ती है और जो उसमें देवत्व है वो पोषित होता है। तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इंटेंशन था कि विधि विधान के साथ पूजा होते हुए उसका संरक्षण किया जाए, लेकिन वाराणसी के जिलाधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी कोई पूजा नहीं शुरू करवाई। उसके बाद दूसरे दिन 19 तारीख को फिर मुकदमा लगा, लेकिन जज कोई वकील उपस्थित नहीं था जिसके कारण एडजमेंट ले लिया गया। तो 20 तारीख लगी। 20 तारीख को अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि जो नीचे की कोर्ट है, नीचे के जज हैं, उन पर हमको भरोसा कम रह गया है, इसलिए जिला जज से सुनवाई करने के लिए आप आदेशित कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को एक फैसला किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिला जज को हम कह रहे हैं कि वो इस मुकदमे की सुनवाई स्वयं करेगा। दूसरे फिर उन्होंने कहा कि 17 तारीख को जो अंतरिम आदेश हमने ड्यूली प्रोटेक्शन का पारित किया है वो यथावत बना रहेगा। तीसरे उन्होंने कहा फिर से कि क्योंकि उनकी नमाज की भी व्यवस्था बनाने की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित करते हैं कि वो पक्षकारों से चर्चा करके जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनका होना सुनिश्चित करें। तो इसका मतलब है कि अपने दूसरे आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कह रहा है कि पक्षकारों से चर्चा करनी है डीएम को, तो डीएम जो है वो पक्षकारों से चर्चा करेगा। तो पक्षकार तो केवल मुसलमान नहीं हैं, पक्षकार तो हिंदू भी हैं,
तो डीएम ने हिंदू पक्षकारों से तो कोई चर्चा नहीं की उनकी धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में, मुसलमानों से चर्चा करके उनकी नमाज की व्यवस्था बना दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पक्षकारों से चर्चा करके उनके धार्मिक क्रियाकलाप को सुनिश्चित करिए आप और एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करिए, माने पर्याप्त व्यवस्था करिए, उचित समुचित व्यवस्था करिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शब्दावली है, इस शब्दावली का ध्यान वाराणसी के जिला जज नहीं दे रहे हैं। वाराणसी के जिला जज सुप्रीम कोर्ट के इन वाक्यों की अनदेखी कर रहे हैं, ये सब बात हमको पता चली। तो हमको लगा कि हमको न्यायालय न्यायालय कह कर के रोकने का काम करने वाले डीएम स्वयं न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। तो फिर हमने गुरुजी को ये बार संदेश भेजा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये हो रहा है तो फिर तुम उपवास पर बैठे रहो, ये ठीक नहीं है। हमको आदेश पत्र उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा आदेश पत्र हम पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं। ये आदेश पत्र वहाँ से आया, ये है देखिए, ऊपर ही लिखा है आदेश पत्रम। ये आदेश पत्र गुरु महाराज ने भेजा हमको टेलीफोन से, हमारे गुरु भाइयों के माध्यम से सूचना करवाई कि जब डीएम ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर जहाँ फाउल गेम खेला जा रहा है वहाँ तुम फेयर गेम खेल करके कहाँ जीतोगे। इसलिए तुम जो है ये उपवास अपना बंद करो। ये क्या लिखा है देखे कह रहे हैं, हमारे आदेश से हमारे शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लोक प्रत्यक्ष हुए आदि विश्वेश्वर की पूजा भोग के लिए वाराणसी गए थे। उनको शासन ने पूजा से वंचित तो किया ही, पूजन सामग्री स्वयं स्वीकार कर अर्पित करने से भी मना कर दिया, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं। देखिए शंकराचार्य जी महाराज साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है, पूजा से जो रोका गया है उनके प्रतिनिधि को, जो कि उनकी तरफ से और समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा करने के लिए जा रहा था, उसको ये जो रोका गया तो यह देश के लिए अच्छा नहीं। ये देखिए इसको जरा बड़ा करके दिखाइए, तो यह देश के लिए अच्छा नहीं। ये बात हम इसलिए हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं क्योंकि जब काशी में बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही थी कॉरिडोर बनाने के नाम पर, तब भी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र प्रजायन्ते, दुर्भिक्षम मरणम भयम्। जहाँ पर अपूज्य की पूजा होने लगती है और पूजनीयों की पूजा में बाधा उत्पन्न की जाती है वहाँ पर दुर्भिक्ष माने खाने के लाले पड़ते हैं, मरणम बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और भयम लोगों के हृदय में भय बैठ जाता है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन सब ने देखा कि मंदिरों के तोड़े जाने के बाद पूरे देश में कैसी परिस्थिति आई। प्रधानमंत्री को मुंह छुपा करके मास्क, काला मास्क लगा करके रहना पड़ा, पूरे देश को मुंह छुपा करके रहना पड़ा, लोग अपने घरों में कैद हो गए, दुर्भिक्ष की स्थिति, खाने के लाले बहुत से लोगों को पड़ गए, और मरण तो जाने कितना हुआ, सरकारी आंकड़ा 3-4 लाख कहता है और जो प्राइवेट आंकड़ा है अलग अलग देशों ने जिनको जारी किया है वो तो 40-50 लाख का आंकड़ा है। इतने सारे लोग काल कवलित हो गए, मर गए। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि विश्वनाथ परिसर में देवताओं को उनके जगह से हटाया और तोड़ा फोड़ा गया, उनके मंदिरों को ध्वस्त किया गया, अपूज्य की पूजा हुई, जो अपूज्य था उसकी पूजा हुई, कई लोग प्रधानमंत्री की ही आरती उतारने लगे, और देवता जिनकी हजारों साल से हमारे पूर्वज पूजा करते चले आ रहे थे उनको तोड़ करके फेंक दिया गया। उसका परिणाम देश ने और विश्व ने भोगा क्योंकि यह विश्वनाथ का परिसर था। अब पुनः उनकी पूजा से रोका जा रहा है तो शंकराचार्य जी महाराज का यह शब्द है कि मना कर दिया तो यह देश के लिए अच्छा नहीं। आगे वो लिखते हैं, हम अभिमुक्तेश्वरानंद के तर्कों से सहमत हैं एवं हमारे भूरिशः आशीर्वाद उनको प्रेषित हैं। परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने हमको यहाँ पर पूजा के लिए भेजा था, जितना हमसे हो सका हम उस तरफ आगे जा रहे थे। हमको प्रसन्नता है कि हमारे गुरुजी हमारे किए गए कार्य से प्रसन्न हैं और हमको आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, हमें पता चला है कि उन्होंने माने अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल त्याग दिया है।
हम पर इस पर हमारा कहना है, चूँकि सन्यासी नारायण स्वरूप होकर चराचर का प्राण होता है, इसलिए सन्यासी की भिक्षा मात्र भोजन नहीं अपितु दंड तर्पण आदि जैसे आवश्यक कृत्यों में सम्मिलित है। स्मृतियों में बृहस्पति का कथन है, न तीर्थवासी नित्यम स्याद नोपवास परो यति ही न चाध्ययनशील स्यान न व्याख्यान परो भवेत। इसमें जो मार्मिक बात है वो ये है कि नोपवास परो यति ही, जो सन्यासी है दंडी सन्यासी उसको उपवास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों की ये दृष्टि है कि जिसके घर में यस्य गेहे यतिर्भुंगते तस्य नारायण स्वयं यस्य नारायणो भुंगते तस्य भुंगते जगत त्रयम्। माने जिसके घर में सन्यासी भोजन करता है उसके घर में भगवान श्रीहरि भोजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो दंडी सन्यासी है वो भगवान नारायण का ही चल रूप है। ये शास्त्रों में बताया गया है कि द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। भगवान नारायण के विष्णु के दो रूप हैं, एक चल और एक अचल। जो अचल रूप है वो तो देव मंदिरों में प्रतिष्ठित है, और जो चल रूप है वो दंडी सन्यासी का रूप है, वो लोगों के सामने आकर के उनको दर्शन कृपा करके देता है। तो दंड ग्रहण मात्रेन नरो नारायणो भवेत। जो दंडी सन्यासी है वो भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप होता है। जब वो किसी के घर में भोजन कर लेता है तो भगवान नारायण भोजन कर लेते हैं, और जब भगवान नारायण भोजन कर लेते हैं तो सारा संसार तृप्त हो जाता है। आप लोगों ने सुना है, महाभारत में कथा आती है कि दुर्वासा जी दुर्योधन के भेजने से पांडवों के यहाँ चले गए, देवी द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था अक्षय पात्र में से। ऐसी परिस्थिति में भी जब भगवान श्री कृष्ण गए और उसमें लगा हुआ एक शाक मुख में रख करके तृप्त हुए, तो दुर्वासा और उनके साथ आए 10,000 जो विद्यार्थी थे वो भी तृप्त हो गए। तो इसका मतलब है कि सन्यासी का भोजन केवल भोजन नहीं है उसके अपने शरीर के लिए, सन्यासी का भोजन तीनों लोकों की तृप्ति के लिए है। तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं जब सन्यासी भोजन करता है। इसलिए जगत गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि सन्यासी का भोजन कोई सामान्य भोजन नहीं है, सन्यासी का भोजन तीनों लोकों की तृप्ति के लिए होता है। इसलिए भोजन न छोड़ने का, उपवास न करने का आदेश धर्मशास्त्रों ने दिया है। अतः स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अतिशीघ्र भिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि स्वास्थ्यगत कारणों से अभी हमारा वाराणसी आना संभव नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारण अभी हम वाराणसी नहीं आ सकते, अन्यथा हम खुद आ जाते। हम चाहते हैं कि हमारे श्री विद्या मठ में आदि विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा उसी प्रकार आरंभ हो जैसे कॉरिडोर के निर्माण के समय तोड़े गए अनेक शिवलिंगों की पूजा प्रतीक रूप में मठ में निरंतर हो रही है। गुरु जी जानते हैं कि जब जितने मंदिर तोड़ दिए गए हैं कॉरिडोर निर्माण के समय, उन सब के प्रतीक हमारे मठ में स्थापित करके हम लोग उनकी नित्य पूजा कर रहे हैं, और ये संकल्प मन में रखे हुए हैं कि जब हमारी ताकत बढ़ेगी तब हम जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उन मंदिरों के उन्हीं के स्थान पर पुनः स्थापित करके उन देवता को वहाँ प्रतिष्ठित करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण तोड़े गए मंदिरों के प्रतीक देवता यहाँ पर पूजित हो रहे हैं, उसी तरह आदि विश्वेश्वर की भी प्रतीक पूजा यहाँ की जाए। इस पत्र के माध्यम से हम अभिमुक्तेश्वरानंद को यह भी आदेशित कर रहे हैं कि भविष्य में आदि विश्वेश्वर भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान चलाएं। जगत गुरु जी महाराज चाहते हैं कि इस अभियान को छोड़ा न जाए, इसको और बढ़ाया जाए, देशव्यापी बनाया जाए, और जो भी सार्थक प्रयास हों वे करें। इस संदर्भ में जो भी जरूरी हो वो सब करें, जिससे वह स्थान समस्त सनातनियों के गौरव का केंद्र बने। यह हमारी आज्ञा है। ये गुरु जी महाराज का पत्र है, उनकी पूज्यपाद महाराज श्री की आज्ञा से परम पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, जो जगत गुरु जी महाराज के प्रमुख शिष्य हैं, उनका इसमें हस्ताक्षर है। ये पत्र रात को हमारे पास आया, रात को ही हमको इसका पालन करना चाहिए था, लेकिन रात को हम मौन रहते हैं, सूर्योदय के बाद ही हम बोलते हैं, तो हमारी अपनी मजबूरी थी। तो हमने क्षमा मांगी कि गुरुजी आपका पत्र आया है, तत्काल
उसका अमल हम नहीं कर पा रहे हैं। सूर्योदय हो जाए, स्नान करके फिर भगवान की प्रतीक पूजा करके हम आपके आदेश का पालन करेंगे। इसी बीच में कांची मठ, बहुत प्रतिष्ठित मठ है हम शंकराचार्य के अनुयायियों का, उनके जो आचार्य हैं परम पूज्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनका भी पत्र ये रात को उनके प्रतिनिधि लेकर के हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत चिंतित हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में निरंतर समाचार मिल रहे हैं, उन्होंने ये पत्र आपको भेजा है, इसके अनुसार करिए। वो पत्र भी हम आपको पढ़ दे रहे हैं। प्रति श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिष्य श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज श्री विद्यामठ केदारघाट वाराणसी, पुण्य पवित्र काशी के ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र संदर्भ में आपके प्रयास के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है। इस प्रयास में आपका निर्जल निराहार भिक्षा का संकल्प को लेकर हम चिंतित हैं। शारीरिक स्वास्थ्य धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। आगे का कार्य मन में ध्यान रखते हुए आप सद्य इस प्रकार का दीक्षा को छोड़कर स्वाभाविक रूप से भिक्षा ग्रहण करें, यह हमारा सस्नेह भावना है। कितने प्यार से उन्होंने लिखा, यह हमारा सस्नेह भावना है, श्री विश्वेश्वर की कृपा से सबका भलाई होगा। दक्षिण भारत के होने के नाते हिंदी दक्षिण भारत की तरह की है, लेकिन उनका जो भाव है बहुत ही पवित्र है। वो लिख रहे हैं, यह हमारा सस्नेह भावना है, तो बड़े स्नेह भावना से उनने भी हमसे अनुरोध किया है, हम उनकी भावना का भी आदर कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे सहयोगी जितने लोग भी हैं सब रो रहे हैं, और कई लोगों ने अन्न जल छोड़ रखा है, हमको बता भी नहीं रहे हैं। हम उनके चेहरे से समझ पा रहे हैं कि पहले दिन इनका चेहरा था कैसा, दूसरे दिन इनका चेहरा कैसा था। इसे हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं हम खा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि वो नहीं खा रहे हैं। हमारे मठ की ये माता, क्या नाम है इनका, लक्ष्मी जी हैं, मैसूर से आई हैं, हमारे मठ में ही रहती हैं, काशीवास कर रही हैं। ये 70 साल के करीब उम्र है इनकी, लेकिन इन्होंने भी सब छोड़ रखा है, ये भी नहीं खा रही हैं बार बार बताने पर। इसी तरह से अनेक लोग हैं, तो सब की परिस्थिति भी ऐसी है। ये सब बात जगत गुरु जी ने समझी होगी, हमारा तो ये दृढ़ निश्चय था कि हम पूजा के बाद ही खाएं, लेकिन गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु जी की आज्ञा से ही हम आए थे पूजा करने, तो गुरु जी की जो भी आज्ञा हो उसका स्वीकार करना हमारा परम धर्म है। और गुरु जी ये कह ही रहे हैं कि आगे जो कुछ करना है उसको करो, प्रयास देशव्यापी प्रयास करो, तो हम लोग वो देशव्यापी प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि जगत गुरु जी महाराज इसीलिए ये आदेश हमको दे रहे हैं क्योंकि अभी तक 5 दिन हो गया, अभी तक तो कोई आदेश नहीं आया था। अब उनका आदेश तब आया जब हमने न्यायालय के निर्णय पढ़ करके पत्रकारों को सुनाया और ये बताया कि वाराणसी का जो जिलाधिकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उपेक्षा करके हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहा है, मुसलमानों को अवसर दे रहा है और हिंदुओं को अवसर नहीं दे रहा है। तो गुरु जी को लगा होगा कि जब प्रशासन ही गलत नीतियाँ अपना रहा है तो फिर ऐसे में लंबे समय तक उसके सामने कोई बात कहना बेकार है, न्यायालय में ही इस बात को आगे भी उठाना जाना चाहिए। जो भी सोचा हो उन्होंने, फिलहाल उन्होंने हमको आदेश दिया है, इसलिए उनका आदेश मान करके कल हमारे मन में ये भावना आई थी कि विश्वेश्वर का दर्शन हमको हो जाता, स्पर्श उनका हो जाता, तो हमारे अजय शर्मा जी और संजय पांडे जी दो हमारे सहयोगी थे, उनसे हमने कहा तो ये भगवान विश्वेश्वर की पादुका उन्होंने जा करके जहाँ तक पास में जा सकते थे तो उन्होंने बताया कि लगभग 7 फुट की दूरी तक पहुँच करके हमने भगवान की दीवाल से इन पादुकाओं का स्पर्श कराया है और ये पादुकाएं अब हमारे पास वहाँ से आ गई हैं, तो यही अब प्रतीक हैं भगवान विश्वेश्वर की हमारे पास। इन्हीं पादुकाओं का पूजन करके हम जगत गुरु जी महाराज के आदेश से अपना ये उपवास यहीं पर संपूर्ण करेंगे और जगत गुरु जी के आदेश से देशव्यापी अभियान इस बारे में चलाएंगे। यहाँ के जिलाधिकारी को नोटिस हमने
रात को ही बना करके भेज दिया है, उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अभी फिर उनका कार्यालय जब खुलेगा तो हमारे रमेश उपाध्याय जी यहाँ पर खड़े हैं, हम उनको ये जो नोटिस है इस नोटिस की प्रति दे रहे हैं कि आप ये नोटिस स्वयं कार्यालय में जा करके दे दीजिए। ये जो नोटिस है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के लिए है और सब्जेक्ट है नोटिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर एंड द डायरेक्शन पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 20th May 2022 इन द स्पेशल लीव पिटीशन। ये सब अंजुमन इंतजामिया कमेटी आदि का है। इसके अंत ये पूरा इसमें हमने कह दिया है कि क्या क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन कर रहे हैं, और अंतिम पैराग्राफ में हमने ये लिख दिया है जो आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं। कंसीडरिंग एंड एनालाइजिंग द अबव वी आर फोर्स्ड टू ओपाइन, हम बहुत मजबूर हैं ये राय कायम करने के लिए, दैट यू हैव आइदर फेल्ड टू गेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिंदू आइडल लॉर्ड शिवा, आप शिव जी के शिवलिंग की पूजा के संदर्भ में पैमाना नापने में आप फेल हो गए हैं कि उनकी पूजा किस स्तर पर होनी चाहिए, आप समझ नहीं पाए बात को, और हैव फेल्ड टू इंटरप्रेट द टर्म रिलीजियस करेक्टली, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में रिलीजियस टर्म यूज किया है उसको उसकी व्याख्या करने में भी आप असमर्थ रहे। बाय द यूज ऑफ द देम टर्म रिलीजियस एंड द कॉलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन ऑफ द पार्टीज द ऑनरेबल कोर्ट हैज अटेम्प्ट टू हारमोनिकली ग्रांट बोथ द पार्टीज टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों पार्टियों से बात करके उनके धार्मिक जो कर्मकांड हैं उनकी परिपालना के बारे में समुचित व्यवस्था कीजिए, उसमें भी आप असफल रहे हैं। फॉर परसुएंस ऑफ देयर फेथ एंड फॉलोइंग, उनकी जो आस्था है और उनकी जो परंपरा है उनका जो कर्मकांड है उसको कराने में आप फेल रहे हैं। दिस बाय नो मीन्स ऑफ इमेजिनेशन कैन बी कंस्टिट्यूट एज परमिशन फॉर ओनली वन पार्टी टू परफॉर्म इट्स रिलीजियस ऑफरिंग्स और ऑब्जर्वेंस, आपने केवल एक पक्ष को मुस्लिम पक्ष को उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वहाँ पर नमाज पढ़ने का अवसर दिया है, दूसरी जो पार्टियाँ हैं हिंदू पार्टियाँ उनको अपने प्रकट शिवलिंग की पूजा करने का अर्चना करने का उनकी परिक्रमा प्रणाम करने का अवसर नहीं दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि पार्टियों से चर्चा करके उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी धार्मिक व्यवस्था बना दीजिए, जब आपको आदेश है सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा तब आप एक पक्षीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमको कल कहना पड़ा था, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर किसी ऐसी पार्टी के शासन में यहाँ का प्रशासन ऐसा कार्य करता जिनके बारे में हिंदू विरोधी होने का और मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया जाता है तो शायद फिर भी समझ में आता, लेकिन एक ऐसी पार्टी के शासन में जो अपने आप को हिंदू कहती है यहाँ का प्रशासन मुसलमानों का तो पक्षपात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में और हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, उनको अवसर नहीं दे रहा। तो ये जो नोटिस है रात को ही भेजी गई, अस्वीकार किया है, अभी फिर से हम लोग भेज रहे हैं ताकि उनके कार्यालय में जाके इसको रिसीव कराया जाए। 7 दिन तक इसके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे, 7 दिन के बाद हम आगे इसकी कार्रवाई में आगे चले जाएंगे, जो कि लीगल एक नियम है कि लगभग कुछ समय देना चाहिए जवाब देने के लिए। तो हमको आशा है कि जिलाधिकारी वाराणसी अपनी गलती को सुधारेंगे या फिर अपना तर्क गढ़ करके हम लोगों को कोई जवाब देंगे जिसके जवाब से मिलने से हम संतुष्ट या असंतुष्ट होंगे तब हम आगे जाएंगे। अगर उन्होंने अपने जवाब से हमको संतुष्ट कर दिया तब आगे हमको जाना नहीं होगा, लेकिन उनको प्यास क्या जवाब होगा हमको तो नहीं लगता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी व्याख्या करनी पड़े, स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्होंने हिंदुओं को पूजा से वंचित कर रखा है तो ये गलत है और इसका जवाब उनको देना होगा। तो उनका जवाब आएगा, तदनुसार हम लोग उनके ऊपर आगे की कार्रवाई करेंगे, और इस मामले में भूखे प्यासे बैठे रहने का हमारा जो निर्णय था वो शास्त्रीय था, लेकिन जब ये बात हमको पता चल गई, पहले हमने जब पत्रकारों ने हमसे पूछा था कि आपके उपवास के लिए कौन जिम्मेदार होगा,
तो हमने साफ साफ कहा था कि हमारे उपवास के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धार्मिक आस्था से ये उपवास कर रहे हैं। लेकिन जब हमको ये पता चल गया, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पढ़ लिया कि हमारे साथ कानूनन पक्षपात हो रहा है, कानूनन हमारे साथ हमको परेशान करने की कार्रवाई हो रही, तब हमने कल पत्रकारों को कहा कि इसके लिए DM जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम जान गए कि आदेश कुछ है और कहा कुछ जा रहा है। तो जब हमको आप गलत ढंग से निरुद्ध कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदार आप हो जाएंगे। तो 108 घंटों तक हमको अन्न जल से वंचित रखना, 5 किलो 400 ग्राम, सवेरे 5 बजे नापा गया हमारा वज़न, तब तक 5 किलो 400 ग्राम वज़न हमारा कम हो गया, हमारे शरीर में उतनी हानि हुई, उसके जिम्मेदार यहाँ के DM होंगे। और इसी तरह से हमारे शरीर में जो भी इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसके भी जिम्मेदार यहाँ के DM होंगे। तो इन सब की जिम्मेदारी उनके ऊपर संस्थापित करते हुए हम ये नोटिस उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम रमेश उपाध्याय जी को, इनका चेहरा दिखाओ, रमेश उपाध्याय जी ये हैं, ये धर्म के वीर हैं और धर्म के मामलों में एकदम अंतिम छोर तक जा करके, माने कहते हैं ना कि सिर कटवाने से जिसको खुशी होती हो, उस तरह के धर्म योद्धा हैं ये, इनको ये अधिवक्ता हैं और सनातन धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था है। इनको ये नोटिस दे रहे हैं कि जाकर के DM ऑफिस में इसको रिसीव कराएं और रिसीविंग भी हमको प्रदान करें। तो ये तो कार्यवाही है और अब हम लोग जगत गुरु जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए, जो आदि विश्वेश्वर की पादुकाएं प्रतीक रूप में हमारे पास आई हैं, उनका पूजन आरंभ करेंगे। उनका पूजन करके, उनको प्रणाम करके, जगत गुरु जी का जयकारा करते हुए, सनातन धर्म का जयकारा करते हुए हम जलपान आदि जो भी जरूरी है शरीर के लिए वो सब करेंगे और आगे की प्रक्रिया लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी कोई कमजोरी नहीं है, उपवास से शरीर कमज़ोर हुआ है, थोड़ा सा बोलने से, थोड़ा सा चलने से हम थक जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई अपनी कमजोरी नहीं है। हम अभी भी कितने ही दिन बैठना पड़े तो बैठने को तैयार हैं और बैठे बैठे ही शांत हो जाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन गुरु आदेश सर्वोपरि है किसी भी शिष्य के लिए, यही हमारी परंपरा रही है, इसलिए गुरु जी का आदेश मान करके ये विराम हम कर रहे हैं। अब बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।